302 में 11 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। मथुरा कोर्ट में चर्चित राजा मान सिंह हत्याकांड में जिला एवं सत्र न्यायाधीश साधना रानी ठाकुर ने खचाखच भरी अदालत में डिप्टी एसपी कान सिंह भाटी के साथ 11 पुलिस कर्मियों को धारा 148, 149 और 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा से दंडित कर दिया। जिला न्यायाधीश द्वारा 21 जुलाई मंगलवार को दोषी करार दिया गया था, जिसकी सजा पर फैसला आज सुनाया गया। दरअसल 35 साल पहले राजस्थान के भरतपुर राजघराने के राजा मान सिंह एवं उनके दो निजी बॉडीगार्ड सुमेर सिंह व हरि सिंह की चुनाव प्रचार के दौरान 21 फरवरी 1985 को डिंग की अनाज मंडी में गोली मारकर हत्या कर दी, जिसमें सीबीआई जांच के बाद डिप्टी एसपी कान सिंह भाटी सहित 18 आरोपियों के खिलाफ सीबीआई कोर्ट जयपुर में आरोप पत्र दाखिल किया था। पीड़ित पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 1990 में मुकदमे को राजस्थान से उत्तर प्रदेश के मथुरा जिला न्यायालय में ट्रांसफर कर दिया। मथुरा जिला न्यायालय में केस की सुनवाई के दौरान 3 आरोपी पुलिस कर्मियों की मौत हो गई, जबकि पुलिस जीप चालक को आरोप मुक्त कर दिया गया। 9 जुलाई 2020 को जिला एवं सत्र न्यायाधीश साधना रानी ठाकुर ने मुकदमे की पूरी तरह सुनवाई करते हुए 21 जुलाई को फैसला सुनाने की तारीख तय की थी, जिस पर मंगलवार को मथुरा न्यायालय ने 11 आरोपियों को घटना का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में लेते हुए जेल भेज दिया। जो आज फैसला आया वो हम सबके लिए खुशी की बात है कि आज 35 साल में इनको न्याय मिला है हम लोगों को, और जो इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुआ है तो हमको भी खुशी है।